चैनल आए हो आप सब खरीय सिंह। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए मत भूलना और बेल आइकन का जरूर प्रेस करना, जो कि ऐसी वीडियो आपको आते रहेगी सबसे पहले। यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन आया उसको भी क्लिक करके, और मेरे इंस्टाग्राम की भी आया उसको भी फॉलो करो, और मेरे फेसबुक को जो लिंक है लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वेल मेरे फेसबुक को लाइक करिए या मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन देंगे फेसबुक को मेरे लाइक करिए। तो आज बहुत ही मजे की रेसिपी जो बनने वाली है, और आज शहरी भी मैं खुद बनाऊंगा। हाँ जी, ये शहरी मैं खुद बनाऊंगा। तो अब मैंने सोचा, आपने किन देखा होगा शहरी पे लोग दूध पीते हैं, फिर दही वाले खाते हैं, फिर बाद में गोभी वाले मिक्स सब्जी दाल माश की दाल वगैरह वगैरह जो भी डालते खाते हैं। लेकिन आज मैं बनाऊंगा तवा कीमा। तवा कीमा किस चीज़ को नहीं पसंद है, लोर लोर ही होता है। तो तवा कीमा बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही आसान तरीका है। तो मैंने तवा कीमा खाया था अलमोस्ट लाइक 10 साल पहले मैंने तवा कीमा खाया, तो मेरे पापा जी ने बनाया था तवा कीमा। तो जिस दिन मैंने तवा कीमा खाया था उस टाइम तो मुझे मज़ा ही आ गया। तो मैं घर भी बनाता था सोनिया में, और पाकिस्तान में कभी कभी मैं बनाता था तवा कीमा। तो आज जो रेसिपी थी है वो है तवा कीमा, और शायद पराठे मैं खुद बनाऊँगा, दही लस्सी वगैरह वो तो डिपेंड होगा कि अब क्या खाएंगे शहरी पे। तो अभी मैंने प्याज काट ली, आप देख सकते हैं ये प्याज है, फिर बाद में ये ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली के बाद में ये टमाटर है, टमाटर के बाद कुछ मसाले कुछ ऐड में करूँगा इसमें, किस तरह का तवा कि मैं बनाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए मत भूलना। तो चलो आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं शुरू। ये आप देख सकते हैं ये अभी मैंने प्याज काटे, मैंने इसको छोटे 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 करने होते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब चाहो तो आप ग्राइंड पे भी कर सकते हो, इजी हो जाए। लेकिन मैं छुरी से कर दो जाके सही काटे, ये सही बारीक हो जाए। तो अभी ये टमाटर है, इसको टमाटर को भी चॉप करना होते हैं, इसलिए इसको ऐसे करना है, ये को चॉप करना होता है। ये छोटे मोटी मोटी काटो या बड़े बड़े काटो, मोटा मोटा काटो ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें तवे पे आप बनाओगे सब तो टकर करोगे ना तो ये कुछ पतले पतले हो जाएंगे। ये इतने जितने काटने होते हैं आप देख सकते हैं, इतने इतने काटने होते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी हुई दवा की माँ, तो बड़ी मज़े की बनी हुई आप देख सकते हैं। इतना प्याज काटने होते हैं जैसे ये इतना के, ये आप जैसे तो ये इतने ग्रीन चिली होती है, ये इतना तो ये फ्लेवर के लिए होती है ग्रीन चिली। तो ये छोटे छोटे नहीं काटे थे, बारीक थे, ऐसे काटे हैं इसका जाके इसके फ्लेवर आ जाए, ऐसे जैसे ये देखिए ऐसे जिस रंग के फ्लेवर होगा। तो दो ही ग्रीन चिली काफ़ी है, ज़्यादा मत करें, लेकिन ज़्यादा करो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए कोई भी नहीं खाता। ठीक है, ये तवा कीमा फैमिली के लिए सबके लिए मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में बना रहा हूँ, देखता हूँ इसके टेस्ट किस तरह का है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो अभी शहरी होने पे काम टाइम रहता है 2 घंटे रहते हैं, तो मैंने कीमा में तवा कीमा पे काफ़ी टाइम लग गया है। तो मैंने ये सब देखते थे इस तरह, तो हर चीज़ है, ये प्याज है, कीमा है, ये छोटे गोश्त का कीमा है, ये प्याज मैंने काटा है, फिर बात ये जिंजर है, फिर ये ग्रीन चिली है, फिर ये टमाटर है, कड़ी पाउडर, क्रिस्प चिली, नमक, लाल मिर्च, ये टिक्का मसाला, फिर ये मैंने 2 चम्मच लिए ट्रक ट्रक करने के लिए। तो ये अभी किया हुआ अभी ये, तो अभी मैंने ये मैंने तवा लिया है, ठीक है, इसे थोड़ा हीट पे रखा है, फिर बाद में इसमें थोड़ा मैं ऑयल डालूंगा इसमें सोरा, ये ज़्यादा डालूंगा क्योंकि मैं तवा कीमा बना रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वन बहुत लाइट हो गया इसको। चलिए ये प्याज है, ये आप देख सकते हैं ये प्याज है, ठीक है। तो छोटे छोटे मैंने ये काटे हैं प्याज, तो मैं इसको डालूँगा ये पूरा, तो ये मैंने चम्मच लिया है इसको, लो फ्लेम में बना लो,
आप लो फ्लेम में भी बना लो या ज़्यादा फ्लेम में बनाओ, ये आपकी मर्जी होती है। लो फ्लेम में बनाने में मतलब ये होता है ताकि ये प्याज है ना लाइट ब्राउन हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन में, इसमें कम से कम 10 से 5 मिनट लगेंगे के बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगा, फिर इसमें कीमा डालूंगा, फिर आपको ये बताऊंगा आगे का। तो ये प्याज अभी ये वाइट हो गया है, ठीक है। इसको नॉर्मली करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, एक थोड़ा ऐसे ऐसे करो जाके ये प्याज छोटे छोटे हो जाए, ठीक है। अब ये टमाटर है, ये टमाटर इसमें मैं ऊपर डालूंगा टमाटर, इसको भी इसके तरह ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये पतली पतली ये हो जाए। इससे इसे कम से कम इसमें टाइम लगेगा, इसमें 5 मिनट 10 मिनट इस पर टाइम लगेगा। ये आप देख सकते हैं इसमें हो सकता है, कई लोग बड़े तवे होते हैं, जो बड़े बड़े वाले तवे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ करते हैं, इसमें टमाटर और प्याज बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन मैं छोटा तवा है, चूल्हा छोटा है, इसलिए मैं आराम से बना रहा हूँ जाकर आपको पता चले मैं क्या क्या डाल रहा हूँ क्या क्या नहीं डाल रहा। देखिए चिकन और चीजें, आइए मैं ये दो दो डी एस को शुरू करना है ऐसे। करो जाके ये हो थोड़ा सा ये थोड़ा छोटे छोटे में करूँगा, ये 5 से 10 मिनट से मैं करूँगा छोटे छोटे के बाद मैं आपको बताऊँगा क्या। तो अभी मैंने काफ़ी 10 से 15 मिनट को किया मैंने, तो ये छोटे टमाटर छोटे 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 हो गए हैं। जब ये देखेंगे ये आराम से करना होता है, ये ठीक है, आपके आराम से ये पके, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर कीमा डालूंगा, कीमे के बाद इसको मैं मसाला डालूंगी। ये कीमा इसके जो ब्लड था ना उसको ब्लड में निकाल दी थी एक, ये इसे कीमा डालने से पहले ना आप चाहो ना इसको ना लेवल पे कर लो आप, जैसे ये चीज़ है ना ऐसे ही है, तो आप लेवल पे कर लो तो आप आराम से इसके ऊपर कीमा डाल सकते हो। ऐसे ये आप इसमें ये डाल दिया आपने ये कीमा, ये आप कीमा है, इसको आपको ऐसे करना है 10 से 15 मिनट जाके मसाला कीमे के ऊपर लग जाए। जैसे ये हो गया, ये आप 10 से 15 मिनट आपको ये कीमा छोटे 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 नज़र आ जाएंगे। ये जैसे ये कीमा का ये पानी है, अभी अभी कीमा में अभी कोई मसाले नहीं डाला, मसाले में तभी डालूंगा जब कीमा सही पक जाए, पतले पतले कीमा मच जाए, सही अच्छी तरह गल जाए, इसके बाद में ऊपर मैं मसाला डालूंगा। कई लोग के ऊपर दूध भी डालते हैं, दही भी डालते हैं, लेकिन मैं दूध और दही नहीं डालूंगा, उसको मैं सिर्फ मसाला की टाइप ही करूँगा। उसमें पता नहीं क्या होता है, इसमें अच्छी खुशबू होती है, अच्छी रेसिपी होती है, आप देख सकते हैं। इसीलिए इसमें सारे पानी खुशक खुशेगा, ये कीमा एकदम सही बनाइए, कम से कम छोटे छोटे हो गए हैं कीमे के, तो इसके जो स्मेल जो होती हैं कीमे के वो भी निकल चुका है, तो एकदम खुशबू आ रही है यहाँ पे इसमें, इस पर देख सकते हैं ये कीमे का। अब जो मैं मसाला डालूँगा ना, अभी मैं डालूँगा ये नमक हल्का मैं डालूँगा, बस काफ़ी है। इसमें मैं डालूँगा करी पाउडर, ठीक है, फिर इसमें डालूँगा रेड कस्ट चिली थोड़ा, इसके बाद ये लाल मिर्च, लाल मिर्च डालूँगा, फिर ये मैं थोड़ा मैं डालूँगा टिक्का मसाला ये फ्लेवर के लिए डालूँगा थोड़ा, ठीक है। फिर ये डालूंगे ये ग्रीन चिली ताकि इसके ऊपर ये पक जाए।
अब इसमें थोड़ा हल्दी डालना है मैंने, ये तो अच्छी तरह मैं मसालों को मिक्स करूँगा। देखिए ये भी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं, ये अभी इसमें जो काफ़ी टाइम लगेगा कि मसाला से ऊपर ऐड किया हुआ है तो ये मसाला पकेगा। इसमें उसमें भी टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट पे टाइम लगेगा मसाला पे भूनने पे। अभी देख सकते हैं ये तवा कीमा तैयार हो चुका है, ये अब इसने मज़े के तवा कीमा है, ये ऑलमोस्ट पक गया है, ये पूरा पक गया है, ये आप देख लेंगे। अब इसके ऊपर मैं चूल्हा बंद कर लेता हूँ। ये है जिंजर, ये जिंजर डालूँगा मैं, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन चिली। अब इसमें सोरा लेमन डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालना, ये सोरा लेमन हो गया, ठीक है। इसके बाद डालूंगा धनिया, ये है धनिया डाली मैं सोरा, बस ठीक है। तो इसको मैं मिक्स नहीं करूंगा, ये स्टाइल कैसे होता है। तो अभी ये तवा कीमा बन चुका है, तवा कीमा अभी मैं बनाऊंगा रोटी, रोटी में बनाऊंगा, मैं आपको सामने दिखाऊंगा लाइव रोटी में बनाऊंगा। मेरी वाइफ आटा गूंथ रही है, रोटी में आटा गूंथ रही है, क्योंकि मुझे आटा नहीं बनाने आता, किसी ना रोटी गूंथते हैं। तो अभी आप देख लो, जिन लोगों को नहीं आता वो भी सीख लो। तो अभी ये देख लो, ये सारा आटा, इसमें थोड़ा पानी डाला है और थोड़ा नमक डाला है, ये चाहे कि आटा गूँ करेगी देख, ये आटा ये आप देख सकते हैं, ये भी आटा बन चुका है, ये इसमें काफ़ी मेहनत लगती होती है आटा बनाने पे। ये आप देख सकते हैं, ये भी बन चुके है, ये आटा सही, तो पूरा नरम आटा हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट आटा हो गया। चाहो तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनाने का, यानी क्रिस्पी वाला और रोटी आप बना सकते, आपके पे डिपेंड हो। इसलिए हमारे घर वाले सिर्फ नॉर्मल में खाते, नॉर्मल रोटी खाते हैं, जिसमें ना कोई दूध ना कोई दही नहीं डालना होता। तो ये अभी ये रोटी बन चुकी है, आप देख सकते हैं आटे की रोटी, ये भी ये रोटी करी, ये करी जो लंबे पतले पतले करी, ये डाल देते ये रोटी मंडी मेरी। इसमें एक होता है, आप देसी घ्यो डाल दो या सूखी रोटी बना लो, ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं डालता हूँ देसी घ्यो जो होते हैं, लेकिन मैंने बोला देसी घ्यो मत डालना, डाल दो अरे डाल दो, वो ज़्यादा अच्छा ही होता है। तो अभी मेरे वाइफ ने बोला है, मेरे वाइफ को मैंने बोला है भाई डाल दो ऑयल डाल दो, इस पर रोटी मन सही बन जाती है। अभी इसमें पलटाया दोबारा, तो ये जो किसी से ऑयल डाला है, अभी अभी पलटाई, ये रोटी है ऑयल वाला, रोटी वाला डाल दो ऑयल, बड़ी मजे की रोटी मेरे वाइफ बना रहे हैं, बस की पत्ती रोटी देखिए। तो ये मेरा शहरी है, ये इसमें दो पराठे हैं, फिर ये तवा कीमा, ये पानी के साथ ये दही। तो मैंने लस्सी नहीं पीना था तो दही मैंने ले लिया था। तो ये मेरा तवा चिकन के शहरी है। तो आपको अभी मैंने थोड़ा वीडियो दिखाया था, तवा कीमा और पराठे दही और पानी। तो मैंने बोला था मैं बना रहा था शहरी, मैं पराठा बना रहा, तो मामा ने कहा, मेरी वाइफ ने कहा तो रोटी ना बनाओ, तो तुमसे रोटी सही नहीं बनती, तुमसे थोड़ी मोटी बन जाती है। तो मैं बना रहा था रोटी, मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग रोटी बना लो, तो मैंने नहीं बना पाया, सॉरी यार मैं आपको रोटी शेयर नहीं कर सकता रोटी का। तो अभी मैं खा रहा हूँ तवा कीमा, वो अपने हाथों से मैंने बनाया, तो अभी मैं ट्राई करूँगा किस तरह का है।
बिस्मिल्लाह। ये कीमा इसमें मैं खाऊंगा। बिस्मिल्लाह। मज़ा आ गया कसम से, मज़ा आ गया तवा कीमा, वो भी गरम गरम और गरम गरम पराठे। वाह वाह मज़ा आ गया। साथ ठंडा पानी पीऊँगा। तवा कीमा बनाने के बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी की है, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, यहाँ का जो कीमा है ना ये बहुत देर से कीमा पकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का कीमा जो गोश्त का कीमा है ना, तो उस गोश्त ही कीमा से ये निकाला था, तो वैसे ही बहुत महंगा यहाँ पे कीमा है पाकिस्तान में। मैंने लिया था आधा किलो, तो इसमें ऑलमोस्ट लाइक मुझे 800 रुपये का कीमा मिला। अगर पाव लूँ मैं तो पाव के हिसाब से मुझे 350 रुपये, अगर मैं किलो से हिसाब से लूँ तो उसमें चल जाते हैं 1000 रुपये पे लग जाता है, तो बहुत महंगा कीमा है यहाँ पे। तो सऊदी अरब पे जो कीमे होते हैं, जो बीफ का बटर की बीफ का जो होते हैं, जो कम से कम आ जाते हैं 70 रियाल का, जो 70 रियाल का कीमा आ जाता है, तो बहुत महंगा। तवा कीमा खाने के बजे कहाँ पे मज़ा आता है, अनारकली पे, फूड स्वीट नहीं है वहाँ पे तवा कीमा मिलता है, बहुत मज़े की, और ट्रक की कीमा मज़ा आता है इस पर। तो ये जो तो मज़ा आ गया तवा कीमा, सबको पसंद आया, सबने कीमा खाया, सबने पराठा खाया, सबने दूध लस्सी सबने पी, लेकिन मुझे लस्सी पीने के बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपनी वीडियो क्यों बनाता हूँ, मैं ही आ जाता हूँ वीडियो पे। वेल असल बात पता नहीं क्या है, एक पर्सन होता है, तो मैं अपनी वीडियो पे अपनी फैमिली भी शेयर नहीं करता। मैं एक पर्सन है, बहुत ज़्यादा पर्सन है, इसलिए मैं फैमिली मैं नहीं शेयर करना चाहता अपनी वीडियो पे। तो ऐसा मैं लेके आऊँगा, आप लोगों को प्यार और मोहब्बत मिलेगा ज़्यादा, तो इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊँगा मैं इंशाल्लाह। तो अभी मैं पराठा कीमा तवा कीमा खाऊँगा, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह तवा कीमा मैंने बनाया था सहरी के टाइम, सहरी की, तो काफ़ी मज़ा आया था। मेरी फैमिली भी खाया था, मेरे भाई ने, मेरे मामा ने, पापा ने, सब ने खाया था, और मेरी वाइफ ने फर्स्ट टाइम तवा कीमा खाया था, तो उसको भी बहुत पसंद आया था। बहुत अच्छा एक्साइटेड हुआ था मैं। अभी जो मैं फजर की नमाज भी पढ़ा था, फजर की नमाज भी पढ़ के भी आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद भी पढ़ा है मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी अच्छा मौसम है लाहौर पे, कभी ठंडी हवा चलती है, रात का मौसम होता है तो ठंडी हवा होती है, सुबह तो माशाल्लाह ऐसी धूप निकलती है, तो अल्लाह जाने, तो किसी के भी रोज़ा भी होता है तो बाहर निकलना भी डर लगता है। तो मैं ये कहूँगा आप लोग घर पर रहो, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में कोरोना बहुत फैल है, लेकिन फिर भी लोग काबू कर रहे हैं, तो सुबह 6 से 6 बजे तक लॉकडाउन होगा, इसलिए तो मैं ये कहता हूँ घर पे रहें, सेफ्टी रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का हाथ लगाएं, और छोटे बच्चों के घर पे बात निकले, ईद के दिन भी आ रहा है, लोग शॉपिंग करने पर लगे हुए, तो मैं यही कहता हूँ शॉपिंग ना करो, घर पर रहो, छोटी छोटी ईद बना लो, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आज के फॉर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगर ये वीडियो को अच्छे लगे लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बात बोलना, दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह अगले वीडियो का इंतज़ार रखिए। खुदा हाफ़िज़।